विश्वविद्यालय में आयोजित होने जा रहा है करियर मेला। इस हेतु कल यानी कि 5 अप्रैल को सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ये करियर मेला लगेगा। इस करियर मेले में बच्चों को आगामी भविष्य में किस तरह से उन्हें तैयारी करनी और कौन सा विषय लेना है इस पर मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिसके चलते पगारा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शामिल होने की बात कही। वहीं इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर लाने के लिए सभी को फोन भी लगाए जा रहे हैं एवं उनके अभिभावकों को बताया भी जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक ऐप के माध्यम से एक परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें बच्चों की करियर काउंसलिंग की गई थी, जिसमें पगारा उच्च माध्यमिक विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है एमपी करियर मित्र। इसमें इस योजना के अंतर्गत जब कोई छात्र कक्षा 10वीं पास करता है तो उसके बाद उसको ये स्ट्रीम चुनने के लिए कि वो कौन सी स्ट्रीम चुने जिससे उसका भविष्य बेहतर हो, किन विषयों को चुने जिससे उसका फ्यूचर अच्छा हो सके, इसी क्रम में कल दिनांक 5 तारीख को अप्रैल को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पगारा में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और जिले के अन्य में भी है, लेकिन यहाँ पगारा में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप पधारें। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैसेज अच्छा जाएगा बच्चों को और कल हमारे बच्चे आएंगे 8:30 बजे से लेकर 12:30 तक हम प्रोग्राम कराएंगे। इसमें करियर काउंसलर्स आएंगे, लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी व्यवस्था की जाएगी, बच्चे की उसको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि किन विषयों को वो चयन करे जिससे वो बेहतर अपना भविष्य बना सके, इस क्रम में ये व्यवस्था की जा रही है। सर, 100% बच्चों को जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका 1 जनवरी महीने में एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन था, ये कंप्यूटर मतलब मोबाइल पे था, मोबाइल ऐप पे था, एमपी करियर मित्र के नाम से। पूरे 72 से 72 बच्चों का ही हमने एग्ज़ाम कराया, उनकी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है, कलर्ड रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है और ये एक प्रपत्र है जो हर बच्चे को दिया जाएगा। वो रिपोर्ट के आधार पर ये तय होगा कि क्या विषय ले सकता है बच्चा। तो ये बहुत अच्छी योजना है और हमारी उम्मीद ये है कि हमारे 72 बच्चों में से 55-56 बच्चे तो हर हालत में आ ही जाएंगे और ऐसे बच्चे जो 11वां पास कर चुके हैं उनको भी इसमें योजना में शामिल कर रहे हैं और सभी बच्चों को फ़ोन कर दिए, 100% बच्चों को फ़ोन किए गए हैं। उम्मीद ये है कि 55 बच्चों के करीब 50-55 बच्चे तो हर हालत में उपस्थित होंगे